तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और इस वीडियो में उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट को लेके मैं आया हूँ जो राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं या राजस्थान की काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल आज से ही स्टार्ट हो चुका है चॉइस फिलिंग का, ये जो हमको करना है इम्पोर्टेंट कि हमारी प्रेफरेंसेस को हमें अपडेट करना है, चॉइस फिलिंग करना है और क्या कैसे करना है सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इनका जो रिवाइज शेड्यूल था मैंने पीछे खोल के रखा हुआ, एक बार फिर से चर्चा हम कर लेंगे, ठीक है। सेकंड राउंड के लिए ये आपको दिख ही रहा होगा, राजस्थान गवर्नमेंट का है, ठीक है। इसके हिसाब से जो सीट वगैरह थी वो 15 को बता दी गई थी, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, रजिस्ट्रेशन 14 तारीख से और सारी चीज़ें हमने लास्ट डेट आज से दी थी। इन सबको छोड़ के अगर हम बात करें तो हमें, मुझे लगता है एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भी पे कर दी होगी आपने, सारी चीज़ें हैं। सबमिशन की लास्ट डेट 17 तक थी, पब्लिशिंग हो गया है किस चीज़ का, वेरिफिकेशन हमारी सारी चीज़ें और सर्टिफिकेट वगैरह वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो आएगी 20 तारीख को यानी आज, और साथ ही साथ यहाँ पे मेरिट लिस्ट किस किस के लिए है, ये स्टेट OBC MBC EWS SC ST STA और PWD डिफेंस पैरामिलिट्री NRI ये सभी वेरिफिकेशन के साथ पब्लिश हो जाएंगे 20 तारीख को यानी आज के आज, अभी के अभी, ठीक है। तो भैया इन सारी चीज़ों के बाद बाद हमें सीट मैट्रिक्स वगैरह भी मिल जाएगी 23 तारीख को, लेकिन उसके पहले हमें ये पता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह क्या कैसे करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो भाई ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दिया हुआ है, 50,000 रुपये लगेगी किसको, अनरिजर्व EWS SC ST STA OBC MBC ये सभी कैंडिडेट को गवर्नमेंट सीट MBBS कोर्सेज के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट सोसाइटी मेडिकल कॉलेज होंगे, RUHS होंगे, CMS होंगे, ESIC, MC ये सभी के सभी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एक सीट पे, ये सभी कितना लगने वाला, 50,000 रुपीज़ यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट आपका लगेगा। फिर 2,00,000 रुपये लगेंगे किन कैंडिडेट्स के लिए, वो सभी कैंडिडेट जो मैनेजमेंट सीट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें MBBS कोर्स के लिए गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज और RUHS साथ ही साथ CMS के लिए रहेंगे। 5,00,000 रुपये उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है जो NRI सीट ऑप्ट कर रहे हैं, याद रखिए MBBS कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज और RUHS साथ ही साथ CMS के लिए। फिर बात कर लें 5,00,000 रुपये उन कैंडिडेट को लगेगा जो MBBS कोर्स प्राइवेट मेडिकल कोर्स से कॉलेज से करना चाह रहे हैं, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और 10,000 रुपये उनको लगने वाला है जो कि BDS कोर्स करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज RUHS CDS और प्राइवेट डेंटल कॉलेज। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, आपको याद रखना है, रेस्पेक्टिव आपकी कोर्स के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, सीट्स के हिसाब से जो आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं, NRI सीट कर रहे हैं तो वो आपको पे करना होगा, क्योंकि बच्चों से गलतियां यही हो रही हैं और वहीं समस्या आ जाती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, कोई दिक्कत। नए रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है उनको क्या है, सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो पे करना है। अभी चॉइस फिलिंग जो हमें पता है कि आज से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 24 तारीख 20 से 24, ठीक है, 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर और रात के 11:45 पे 24 तारीख को ऑटो लॉक हो जाएंगे आपकी प्रेफरेंस। तो गलती बिल्कुल मत करना ये कि ऑटो लॉक होने दो, उसके पहले ही हमें क्या करना है, खुद से चॉइस फिलिंग करनी है, प्रेफरेंसेस भरनी है और लॉक कर देनी है। अगर दिक्कत आ रही है लॉक करने में, चॉइस फिलिंग में, तो भाई हम आपके लिए हैं, आपको अगर चाहिए मेंटोर तो नीचे लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट उस पे अपनी जानकारी भरें, हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी। अदरवाइज अगर खुद से करना चाह रहे हैं तो हमारे टूल्स हैं जो हेल्प करेंगे आपको, ताकि गलती से भी गलती की गुंजाइश ना हो और एक अच्छा कॉलेज आप चूज कर पाएं। कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ, आपको जाना कहीं नहीं है, आपको जाना है स्टूडेंट खबरी, जो आपके हर मर्ज की दवा है, स्टूडेंट खबरी क्लिक करेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, उसको क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दो सेक्शन दिखेंगे, मेडिकल वाले में ही क्लिक करके प्रेडिक्टर पे जाना है। बहुत सारी स्टेट के आपको ये मिल जाएंगे, सभी स्टेट के डायरेक्ट सर्च कर लो, अदरवाइज आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लो और देख लो कि राजस्थान कहाँ लिखा हुआ है। सो राजस्थान जहाँ दिख जाए वहाँ रुक जाओ, क्लिक कर लो और क्या दिख रहा है, राजस्थान MBBS दिख रहा है, इस पर क्लिक किया आपने और इस पर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे गो टू प्रेडिक्टर, प्रेडिक्टर पे जाना है, आपकी रैंक जो है वो डाल देना है, आप जो भी रैंक है 5,000 50,000 जो भी है डाल दो भाई, 35,000 डाल देता हूँ, ठीक है, आपकी ज़्यादा है ज़्यादा डाल दो कोई दिक्कत नहीं, कम है कम डाल दो कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे जो भी कैटेगरी है वो डाल दो, SC ST OBC जो भी है, जो भी है तो ठीक है भाई, हमारी जनरल है अपन जनरल डाल देते हैं, जनरल सेलेक्ट कर लिया, ऑल राउंड्स के हिसाब से हम सेकंड राउंड पे चल रहे हैं तो सेकंड राउंड लिख दें। इसके अलावा सिलेक्ट जेंडर, जो आपका जेंडर है, मतलब ऐसा नहीं यार, एक जेंडर न्यूट्रल सीट भी है, ठीक है, और यहाँ पे तो आप देख लो आपके हिसाब से क्या कैसा लग रहा है।
इसके अलावा आपको एग्जाम नीट दिया था भैया, कोटा वगैरह है नहीं, ऑप्शनल है, ईयर ऑप्शनल है, प्रिडिक्ट कर दो। ये सारे ऑप्शंस जो जो हमें मिल जाएंगे राजस्थान के दिख रहे हैं इस रेंज में, कोई दिक्कत, सब ऑप्शन आपको पता चल जाएंगे, बिल्कुल जाके चेक कर लो, है ना, बिल्कुल नॉमिनल से चार्ज। फिर बात है हमारी चॉइस फिलिंग की, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही मिलना है कॉलेज। अगर हमने गलती से भी कोई ऐसा कॉलेज ऊपर भर दिया जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो भैया पूरी मेहनत चली जाएगी, समय जाएगा, पैसा जाएगा और फ्यूचर बर्बाद। इसीलिए गलती नहीं करता है। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे चॉइस फिलिंग टूल पे, नीचे खिसकाएंगे, नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको राजस्थान दिख जाएगा और राजस्थान पे ही क्लिक कर देना है। दिख रहा है राजस्थान MBBS, इस पे क्लिक किया, नीचे खिसका के आपको जाना है टूल पे और आपकी जो रैंक थी वो डाल दो। भाई 50,000 डाल देते हैं, 50,000 अपन ने डाली 50,000 रैंक है, आपकी जो कैटेगरी है भैया जनरल डाल दी। इसके अलावा हमारा एग्जाम नीट है, जनरेट करा चॉइस फिलिंग, जो भी ऑप्शन है वो दिख जाएंगे। खुद को पता है तो भैया ये मैनुअली चेकबॉक्स टिक कर लो, नहीं पता है तो गलती बिल्कुल मत करो, क्योंकि गलती भारी पड़ सकती है। इसलिए सिलेक्ट यूजिंग AI, ये ऑप्शन दिया हुआ है, सारा काम आपका AI कर देगा बिना गलती के साथ, ठीक है। ये आपके कॉलेज सिलेक्ट करेगा, उसको व्यू करेंगे तो हमें दो कलर दिखेंगे, लाल कलर जिसमें हमारी रेंज से बाहर के कॉलेज है, मतलब हमारी रैंक परे है, उससे ऊपर मतलब नीचे पे ही थे वो और हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन जो हरे वाले मिलेंगे वो मिल जाएंगे 99% के चांसेस है। अब बस उन हरे वालों में ही हमें प्रेफरेंसेस रखनी है। कैसी प्रेफरेंस रखनी है कि हाँ भाई ये कॉलेजेस, भाई वो लाल वाले भी प्रेफरेंस पर रख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं रखना, वो ऊपर ही है, मिल जाए किस्मत हो गई तो बात अलग है, वैसे मिल लेने वाला। लेकिन हाँ, हरे वालों को हमें प्रेफरेंसेस पे हिसाब से रखने हैं ताकि गलती ना हो भाई, ठीक है। हरे पे गए, हमने देखा ये कॉलेजेस मिल रहे हैं। अब मान लो हमें नहीं जानकारी कि यार ये कॉलेज अच्छा है कि ये अच्छा है, इसको पहली प्रेफरेंस दे कि दूसरी प्रेफरेंस दे कि तीसरी प्रेफरेंस दे, तो अपन ने क्या किया कि गलती कर दी, मान लो चलो ये वाला ऊपर खिसका दिया। अब जैसे ऊपर खिसकाया तो ये टूल आपको बता देगा कि नहीं भैया गलती कर रहे हो आप, आपके जो पोर्टल है जहां भरोगे वहां ऐसा नहीं बताएगा, ये बता देगा लेकिन कि गलती कर रहे हो, इसको ऊपर नहीं भरो, इसको नीचे भरो, ये नीचे होना चाहिए नहीं तो गलती हो जाएगी। तो भाई सी सारी गलती बता दे और चाहिए क्या अपन को, है ना। तो बस ये टूल आपका है, ऑटोमेटिक सॉर्ट कर लो, सारे काम आपके कर देगा, उस हिसाब से प्रेफरेंस भर देगा जो होनी चाहिए आपकी रैंक के हिसाब से, बेस्ट ऑप्शन जो होंगे। भैया सेव कर लो, सेव करा तो हमारा काम हो गया। बस इसको देख के ही क्या करना है, अपने को कैंडिडेट पोर्टल पर जाना है और उस पर अपने हिसाब से प्रेफरेंसेस दे देनी है, तो इसके हिसाब से सही हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। चलो भाई, तो ये काम भी मैंने बता दिया नॉमिनल से चार्ज है, ताकि समस्याएं ना हो और आपका एक बेहतर कॉलेज आप ले पाओ और फ्यूचर ऑप्ट आउट कर पाओ और अच्छे से बढ़िया डॉक्टर बन जाओ जल्दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद फिर क्या है, कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू मस्ट फिल चॉइसेस, कौन कौन से बच्चों को फिल करनी है। अर्लियर रजिस्टर्ड कैंडिडेट डिड नॉट गेट अलॉटमेंट इन फर्स्ट राउंड और गेट अलॉटमेंट इन फर्स्ट राउंड, बट रजिस्टर्ड की जगह उसने रिजाइन कर दिया ज्वाइनिंग को। ज्वाइन कैंडिडेट राउंड वन विश टू अपग्रेड, जिन्होंने अपग्रेड करने का कोशिश किया, और न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यही सभी क्या है सेकंड राउंड में एलिजिबल होंगे, सारी चीजें याद रखना है। फिर क्या होगा, प्रिंटिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑटो लॉकिंग चॉइस फिल, ठीक है 25 तारीख तक आप ये सब कर सकते हो, प्रिंट करना है आपके लॉक जो हो जा रहा है उसको। सेकंड राउंड का पब्लिशिंग का आ जाएगा 27 तारीख को, वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएंगे आपके अलॉटेड कॉल। उसके बाद क्या करना है आपको, हाफ ग्रेड पे डालना तो अपग्रेड, रिजाइन करना है तो रिजाइन, ताकि थर्ड राउंड मॉपअप राउंड हो पाए अगर सीट बचती है तो, जैसी होगी तो उस पर भी अपन आगे चर्चाएं कर लेंगे। बाकी कुछ डाउट बच गया है तो कमेंट करो जल्दी से जल्दी, और भैया दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जानकारी मिलती रहे, बने रहना है चैनल पर। सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।